नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एकाउंट ना पीरियड में तमारा दरेकनो स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे एकाउंट में भाग बे में शेर मूड़ी हिसाबों शीखी रहा छे। बोर्ड की परीक्षा में आपने आ चेप्टर में 8 मार्क मोटो दाखिल पूछाय छे। आज आप ए 8 मार्क दाखला की शुरुआत करिए। सौथी पहला एनी गणतरी समझी। चौपड़ी पाना नंबर 60 पर दाखला नंबर 14 छे। रकम रीड करूँ छूँ। राज मशीन लिमिटेड रुपया 10 नो एक एवा 12 लाख इक्विटी शेर बहार पड़िया, जेना पर नीचे मुजब रकम चुकवानी हती। अरजी साथे 3, मंजूरी साथे 3, सॉरी 4, प्रथम अने आखरी हप्ता वखते 3। कंपनी ने जाहिर जनता में 14,70,000 शेयर माटे अरजी मड़ी। वधारानी मड़ेली अरजीओ ना मंजूर करी तेना पर अरजी समय मड़ेला नाणा रिटर्न कर्या। आकाश के जेना 2,000 शेयर मंजूर करवामां आव्या हता, तेणे मंजूरी अने आखरी हप्तानी रकम चूकवी न हती। सनी के जेना 1200 शेयर मंजूर करवामां आव्या हता, तेणे आखरी हप्तानी रकम चूकवी न हती। कंपनी जे शेर पर हप्ता बाकी हता ते शेर जप्त कर्या। जप्त करेला बधा शेर शेरदीठ 7 रुपया लेखे भूरा भरपाई तरीके गणीने बहार पड़िया, धवेले खरीद्या। कंपनीना चौपड़े जरूरी आम नोंध लखो। विद्यार्थी मित्र, तमने ख्याल होय तो आपणे लास्ट पीरियड में शेर जप्ती विषे एनी आम नोंधनो वीडियो जोयो हतो अने आपणे एना विषे अभ्यास कर्यो हतो, राइट। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे जे 8 मार्कनो तमारो मोटो दाखलो छे तेनी जे आम नोंध थशे तेनी गणतरी करीशुं। तो मैं तमने समझाव्यु हतुं तेम के टोटल आमनोंध क्या तो 9 उभुं थाय क्या तो 11 थशे। अहीं आपणी 9 आमनोंध थशे केम के 2 आमनोंध अरजी, 2 मंजूरी, 2 प्रथम आखरी हप्तानी, टोटल 6 जप्तीनी, जप्त करेला शेर बहार पाडवानी अने मूड़ी अनामतनी 3, 6+3 9 आमनोंध थशे। सौथी पहेला गणतरी समझी विद्यार्थी मित्र, गणतरी शुं कहे छे। टोटल शेर आपणे बहार पाडीए छीए 12 लाख, पण अरजी आवे छे 14,70,000। एटले जेटला टोटल शेर माटे अरजी आवी एटले अरजी टोटल शेर 14,70,000 पर आवी 3 रुपया लेखे। अपनी पास दरेक शेर पर 3 रुपया मे ए टोटल आपने मे 44,10,000। परंतु कंपनी पोता शेर के 12 लाख, एट कंपनी मत 12 लाख शेर ने ज मंजूरी आप सके तो के शेर रिटर्न करवा पड़ से 2,70,000। तो ना मंजूर शेर 2,70,000, दरेक शेर पर 3 रुपया लेखे कंपनी के रुपया रिटर्न करवा पड़ से 8,10,000 रुपया रिटर्न करवा पड़ से। तो कंपनी की मेन शेर मूड़ी के रुपया थी गई 36 लाख। तो ये 36 लाख कंपनी मे शू गणा मुख्य शेर मूड़ी कहवा अरजी समय, राइट। मंजूरी, मंजूरी समय अपना शेर 12 लाख था, मंजूरी समय अपने 4 रुपया मंगाई है, एट्ले टोटल अपनी पास के रुपया आवा जो 48 लाख रुपया आवा जो। परंतु आकाश नामनो शेर होल्डर 2,000 शेर पर पैसा आप मंजूरी ने, एट मंजूरी की बाकी मंजूरी के लिए तो शेर 2,000 शेर पर 4 रुपया लेखे 8,000 रुपया अपने मलता नहीं। एट खरेखर मंजूरी ने अपनी पास के रुपया बैंक में आशे 47,92,000। 48 लाख में 8,000 माइनस थाई एट 47,92,000 आपने मे। प्रथम अने आखिरी हप्ता टोटल शेर के 12 लाख, 3 रुपया लेके अपने के रुपया ये प्रोवाइड कर मंगाशू 36 लाख रुपया आप मंगाशू। परंतु एम सनी नामनो शेर होल्डर 1200 शेर पर पैसा नहीं आप, એટલે 2,000 શેર પર તો આપણને પૈસા મળેલા જ નથી, બીજા 1200 શેર એમાં જોડાયા, એટલે ટોટલ કેટલા શેર પર પૈસા નથી મળતા 3,200। 3200 શેર પર 3 રૂપિયા લેખે 9,600 આપણને મળવા પાત્ર નથી, એટલે 36 લાખમાંથી એટલા રૂપિયા માઇનસ થઈ જશે, એટલે બેંકમાં કેટલા રૂપિયા આવશે 35,90,400। એટલે અરજી, મંજૂરી અને પ્રથમ આખરી હપ્તાના ટોટલ ગણતરી થઈ ગઈ। મુખ્ય ગણતરી છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો શેર જપ્તીની। जप्ती गणतरी शू करवा, तो मैं तमने जप्ती वक्त शीखवाड़ू कि जप्त कई रकम थे, तो जे रकम कंपनी पास आ गई है एट्ले कि जे शेर होल्डरे जटला पर शेर पर जप पैसा भरा है ते शेर जप्त थे। क्या शेर होल्डर पैसा जप्त थे? जे शेर होल्डरे नवा रुपया भरया नहीं ते बाकी रुपया जप्त थी जैसे जे एने अत्यारुधी भरी दीदा है। तो जुओ, आकाश नामनो शेर होल्डरे 2,000 शेर पर मंजूरी रुपया आप, એટલે એને મંજૂરી અને આખરી હપ્તાના પૈસા નથી આપ્યા, મતલબ એને કયા રૂપિયા આપ્યા છે? અરજીના રૂપિયા આપ્યા છે, એટલે એટલા જપ્ત થવાના, એટલે 2,000 શેર પર 3 રૂપિયા લેખી કેટલા જપ્ત થવાના? 6,000 રૂપિયા જપ્ત થવાના। તે જ પ્રમાણે સની નામના શેર હોલ્ડરે 1200 શેર પર આપણને આખરી હપ્તાના રૂપિયા આપ્યા નથી, એટલે એના કયા કયા રૂપિયા આવી ગયા છે? 3+4 7 રૂપિયા આવી ગયા છે, તો જે આવી ગયા છે તે જપ્ત થશે 12,784,8,400। એટલે ટોટલ શેર જપ્તી કેટલા રૂપિયા થશે? 14,400। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ધ્યાનપૂર્વક આખી ગણતરી તમારી નોટબુકમાં લખી દેજો અને આમ નોંધ કરવા પ્રયત્ન કરજો, નહીંતર આપણે ડિસ્કસ કરીશું।
थैंक यू।